हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1, जो कि है चैप्टर नंबर 4 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में से। मेरे पास बुक है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जो कि जीवन सन्स पब्लिकेशन के लिए यूज होती है। बेसिकली ये बुक ज़्यादातर MDU यूनिवर्सिटी में यूज होती है, और स्पेशली ये वीडियो मैं BBA और BCOM वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ, BBA फर्स्ट सेमेस्टर एंड BCOM फर्स्ट सेमेस्टर। तो हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखो, इन्होंने क्या बोल रखा है हमें, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 n फैक्टोरियल, फाइंड n। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये पता होगा कि इस वाले सम में हमें कैसे करना है कि, जैसे देखो, आप इसको तो अभी इग्नोर ही करो, 2550 या कोई भी नंबर होता है उसको पहले स्टेप में आप इग्नोर करो। आपको क्या करना है, n प्लस 2 फैक्टोरियल देखना है और आपको क्या देखना है, n फैक्टोरियल देखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, बड़ा देखने के लिए आप क्या करते हो, देखो n फैक्टोरियल के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है और इसके साथ क्या नंबर है, प्लस 2 है, तो आप मान के चलो कि ये वाला बड़ा है। अब इसको हम ओपन करने वाले हैं, तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं। देखो, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, मतलब जहां तक भी आपको खोलना है आप खोल सकते हो इसको, लास्ट में आपको क्या लगाना है, फैक्टोरियल लगाना है। तो ऐसे ही हम n प्लस 2 को ओपन करेंगे, बस फर्क कितना होगा, n की जगह हम क्या लिखेंगे, n प्लस 2। याद रखना, n की जगह मैंने क्या लिखा है, n प्लस 2। अगर मैं n की जगह n प्लस 2 लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, n की जगह मुझे क्या लिखना है, n प्लस 2। यहाँ भी मुझे n की जगह क्या लिखना है, n प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना है, देखो ये मुझे तब तक करना है जब तक मेरी वैल्यू n फैक्टोरियल नहीं आ जाती, फिर n प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी n फैक्टोरियल, अभी देखना कैसे। अब चलो मैंने यहाँ तक लिख दिया तो यहाँ तक कर ही देते हैं n माइनस। ठीक है, तो हम मैंने सॉरी n प्लस 2 माइनस 3, क्योंकि n की जगह मैंने क्या लिखा है, n प्लस 2। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी तो n प्लस 2 एज इट इज आएगा, n प्लस 2, और 2 में से 1 डिडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, और 2 में से अगर हम 2 डिडक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा क्या आएगा, n आएगा, और फिर हमारा क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो, पर मैंने आपको क्या बोला था, आपको सिर्फ कहाँ तक वैल्यू चाहिए, आपको सिर्फ n तक चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 2, n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल। मैंने आपको बोला है कि आपको जहां भी स्टॉप करना है, मतलब अगर आपको यहां भी रुकना होता n प्लस 1 पे, आप n प्लस 1 पे भी रुक जाते, पर कंडीशन क्या है कि आपको लास्ट में क्या लगाना होता है, फैक्टोरियल लगाना होता है। तो हमें सिर्फ n फैक्टोरियल तक चाहिए। अब वो n फैक्टोरियल तक क्यों चाहिए वो आपको आगे पता लगेगा। अच्छा चलो, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की मेरी वैल्यू क्या आई है, n प्लस 2, n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू, मेरे पास राइट हैंड साइड में है 2550 एंड n फैक्टोरियल। अब मैंने इसको n फैक्टोरियल तक इसलिए लिखा था क्योंकि मेरा यहां से n से n कट जाए। देखो, आप क्या करोगे, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब इज इक्वल टू के इस साइड कोई वैल्यू होती है, आपको इतना तो पता होगा, बेसिक मैथ्स है, प्लस है अगर इस साइड तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, या इस साइड डिवाइड है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब साइन जो है हमारे अपोजिट हो जाते हैं। ये इस साइड हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और फिर एन से क्या होगा, एन कट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ इसको कट कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल को मैं एन फैक्टोरियल से कट कर सकती हूँ, और फिर मेरा क्या आएगा यहाँ पर, n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2550। अब मेरे को आगे क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को, मतलब सबसे पहले मुझे n को मल्टीप्लाई करना है किससे, n प्लस 1 से, और फिर मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, n प्लस 1 से। तो मैं n को सबसे पहले देखती हूँ, n को n से मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरा n स्क्वायर आएगा, फिर मैं 1 को n से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 1n आएगा, मतलब मैं n लिख सकती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं, इरा क्या आएगा, 2n आएगा। इसको करूंगी मैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 2 आएगा। तो ये हमारा क्या है, 2550। तो n में मैं n प्लस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550।
तो अब मेरा यहाँ प्लस का 2 है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर यहाँ कुछ प्लस का है तो उस साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो एन स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 2550 में मैं अगर 2 माइनस करूंगी तो मेरा क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 2548। अब देखो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2548 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हम इसको अब मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले तो हमें इसको और इसको फर्स्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, 2548 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 274 और फिर इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करते हैं 637, ठीक है 637 हमारा जाएगा 7 से 91, ये दोबारा हमारा 7 से जाएगा कितना आएगा 13 और फिर 13 बन जा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इसका। अब ये जो हमारा नंबर्स आए हैं हमें इसको इस तरीके से फॉर्म करना है कि हमारा जो है प्लस माइनस करके हमारा आंसर क्या आए, 3 आए। मतलब इन नंबरों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपस में, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है कि 3n आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 जो क्या होता है 49 और 13 जो 26, 26 जो क्या होता है 52। तो 52 को अगर मैं 49 में से माइनस करूंगी तो मेरा क्या आएगा 3n। देखो जिस बच्चे को ये नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म स्प्लिटिंग, वो अपनी जो है या तो पुराना रिफ्रेश कर सकता है, नहीं तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक वीडियो स्पेशली मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए आई विल मेक, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 52 माइनस 49 n फिर माइनस 2548, ठीक है। फिर अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 52 माइनस 52n माइनस 49n और हमारा क्या आएगा माइनस 2548, ठीक है। फिर हम इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, n प्लस 52, इसमें से हम 49 कॉमन ले लेंगे, माइनस 49 कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस भी है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा n प्लस 52, 4952 जो हमारा क्या होगा 2548। तो बाकी का सम मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन बनी थी, तो इसमें मेरा क्या आएगा, n माइनस 49 इज इक्वल टू n प्लस 52, ठीक है। देखो हमारा क्या होता है, n की वैल्यू कैसे निकलती है, n माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारी क्या है, प्लस की 49 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमें क्या गिवन है, n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, माइनस 52। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो The value of n is 49. I hope आपको ये सब समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो you can mention in the comment section. I will clear your doubts. Thank you so much for watching this video. अगर आपको अच्छी लगी है तो please like, share and subscribe. Thank you very much.